छतरपुर की बड़ा मल्हारा पुलिस अनुभाग के गुरजन मंदिर में दर्शन करने गए धसान नदी में एकाएक बाढ़ आ जाने से 59 ग्रामीण नदी के टापू में फंस गए। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी लगते ही शाम को 6 बजे प्रशासन हरकत में आई और मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रशांत अग्रवाल, एसडीओपी रोहित के अलावा उनकी मौजूदगी में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू चलाते हुए बड़ी मशक्कत के साथ टापू पर फंसे सभी 59 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सूत्रों की माने तो धसान नदी के ऊपरी भाग में अत्यधिक बारिश होने की वजह से नदी में एकाएक बाढ़ आ गया और गत वर्ष की भांति एक बार फिर ग्रामीण नदी के बीचों बीच टापू में फंस गए। नदी में टापू पर करीबन 50 से 60 लोगों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ होमगार्ड की रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर रवाना हुई। घटनास्थल पर एसडीएम महोदय बड़ा मल्हारा, एसडीओपी बड़ा मल्हारा, पुलिस प्रशासन, राजस्व, एसडीआरएफ होमगार्ड द्वारा संयुक्त रेस्क्यू कर फंसे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये 59 लोग टोटल वहाँ पे फंसे हुए थे। आज ये लोग सुबह मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तब यहाँ नदी में पानी नहीं था, अचानक पानी आ जाने से वो लोग वहाँ सब फंस गए थे। ये जैसी जानकारी मिली तो कलेक्टर साहब हमारे छतरपुर में तत्काल जिले से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब और एसटीआरएफ की टीम को भेजा और वो टीम एसडीओपी साहब, हम सभी राजस्व अमला सब ने मिलकर और इस रेस्क्यू अभियान को चलाया और सभी 59 लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। चलिए ठीक है सर।